ये टॉपिक है, प्रोग्राम है सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। ये सेकंड वाला टॉपिक है। ये सेकंड वाला टॉपिक समझने के लिए फर्स्ट वाला टॉपिक ऑलरेडी समझा दिया गया है, अलग वीडियो में है, उसका लिंक मैं दिया हूँ, वो समझना है पहले। ये समझने के बाद ही ये समझ में आता, क्योंकि इसका प्रोग्राम जो ऑलरेडी यहाँ है वो हम बता दिए हैं, उसमें दो तीन लाइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा। इसमें हमें फ्रेंड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, बिना फ्रेंड फंक्शन यूज़ करे ऑलरेडी कर दिया, और ये समझना है, और उसके साथ साथ फ्रेंड फंक्शन होता क्या है वो भी समझना है। ये प्रोग्राम भी, वो फर्स्ट वाला प्रोग्राम भी समझना है सेकंड वाला प्रोग्राम के लिए, और फ्रेंड फंक्शन होता क्या है वो भी समझ। दोनों के लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ, दोनों का लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ, और दोनों को समझ के बाद में ये समझने का कोशिश करिए। अब इसमें देखेंगे, अब यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, चलो ये सम ऑफ ये सब समझा दिया गया है उसमें, वो समझ जाइए आप उसमें जाके। हम इसमें सिर्फ चेंज कर रहे हैं, अब इसमें जो फंक्शन है ऐड कर रहे हैं उसे हमें फ्रेंड बना दे रहे हैं। चलो अब इन्हें क्या हो गया, इस क्लास का मेंबर नहीं रह गया इन्हें, इन्हें इस क्लास का फ्रेंड बन गया है, तो ये फ्रेंड फंक्शन हो गया। अच्छा, फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करते वक्त तो ये निकाल देना है क्लास नेम स्कोप ऑपरेटर, क्योंकि ये उस क्लास का मेंबर ही नहीं है तो हम बताना नहीं, वहाँ वो बताया दिया जा रहा था ये फंक्शन इस क्लास का मेंबर है, तो अब वो क्लास का मेंबर ही नहीं है तो उसको हटा देना है। यहाँ क्लास का नेम वो अलग पर्पस के लिए है, वो आके यहाँ से जो रिटर्न हो रहा है ना यन, उसका टाइप है बस, वो ऐसा वो निकाल दिया। डिफाइन करते हो तो डिफाइंड फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करते हो तो एक नॉर्मल फंक्शन को जैसा डिफाइन करते हैं वैसा ही डिफाइन करना है, क्योंकि वो क्लास का मेंबर नहीं है तो क्लास नेम और स्कोप ऑपरेटर नहीं लगाते हैं। और कॉल करते वक्त क्या है, ऐड फंक्शन को कॉल करते हो तो ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करना, क्योंकि उस क्लास के मेंबर को ही उस क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल किया जाता है, या आप सिर्फ फंक्शन से कॉल कर लेना है। जब C1 हम यूज नहीं करेंगे तो वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसा सम करेगा, अभी तो हाँ एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर उसे हम दे रहे हैं, नहीं दोनों का दोनों आप भेज दीजिए उसको। पहले तो एक ही भेजे थे, एक ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा था उस ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा था एक ऑब्जेक्ट पास हो रहे थे, दोनों ऑब्जेक्ट का सम हो रहा था। अभी तो क्या है, ये ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं हो रहा है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों का दोनों पैरामीटर के रूप में पास कर देना है। अब यहाँ भी क्या है, दो पैरामीटर आपको लगाना पड़ेगा कि दोनों को दोनों रिसीव करना पड़ेगा। पहले क्या था, एक ही पास कर रहे थे, वो एक को रिसीव कर रहे थे, अब दो भी पैरामीटर के रूप में पास कर रहे थे। पहले जिसको सम करना था उसी कॉल हो रहा था, एक पैरामीटर के रूप में एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा था, वो दोनों को सम हो रहा था। अभी क्या है, दोनों को भी पैरामीटर के रूप में पास कर रहे हैं तो यहाँ दोनों को भी रिसीव करना पड़ेगा। तो पैरामीटर जब ऑब्जेक्ट है उसके मेंबर्स को आप ऐसा ही एक्सेस करना पड़ता है ऑब्जेक्ट लगा के, वाई डॉट, तो दो भी वही होगा। अभी उसका रियल, इसका रियल सम, इसमें कोई आसानी है, बस यहाँ क्या है, एक ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ था, एक ऑब्जेक्ट पैरामीटर के रूप में पास कर, जिससे कॉल हुआ था उसके मेंबर ना डायरेक्ट एक्सेस हो रहे थे। अभी क्या है, वो मेंबर फंक्शन नहीं रह गया ना, ऑब्जेक्ट से नहीं कॉल होता, सिर्फ नॉर्मल फंक्शन को कॉल करना है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर भी पैरामीटर के रूप में हम पास करेंगे, वो दोनों की ने रिसीव कर लेके सम कर देगा, सम करके वो वापस कर देगा तो C3 में आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक पैरामीटर बढ़ गया है ना, तो उसके डिक्लरेशन में क्लास में भी अब बढ़ा देना है एक पैरामीटर। देखिए यहाँ इसके डिक्लरेशन में भी, क्योंकि बताना ऐसा एक फंक्शन है तो इसके डिक्लेरेशन में बस इसका, इसे हम फ्रेंड लगा दिया, फ्रेंड फंक्शन हो गया, तो एक पैरामीटर की जगह दो पैरामीटर कर दिए हैं, और यहाँ भी डिफाइन करते जगह भी दो पैरामीटर कर दें, और उसके रिलेटेड यहाँ कोड भी चेंज किए हैं। कॉल करते हो जस्ट नॉर्मल फंक्शन को जैसा कॉल कर रहे हैं ऐसा कॉल कर दिया, बस ऐसा कॉल कर दिया। यही है कि जो पहले तो मेंबर फंक्शन सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर यूजिंग मेंबर फंक्शन था, अब अभी क्या है, वो यूजिंग फ्रेंड फंक्शन है। फ्रेंड फंक्शन, वो यूजिंग फ्रेंड फंक्शन दो नंबर का हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करते हैं। देखिए इसमें पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, तो सब्सक्राइब करने से मेरे पूरे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।